G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर के बीच होगा। शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति उड़ान भरेंगे। वर्ष भर के दौरान मुंबई, बंगाल आदि में कई तैयारी बैठकें हुई। अब शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर के बीच होगा। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कई पहल शुरू हो गई है। शिखर सम्मेलन के लिए गणमान्य व्यक्ति 8, 9 और 10 सितंबर को उड़ान भरेंगे। उससे पहले पूरे शहर और सड़कों की साफ सफाई कर दी गई है। हालांकि यहां कुछ बहुत ही अजीब है। शहर में जगह जगह लंगूर बंदर के जीवंत होर्डिंग लगाए गए हैं। उन्होंने शहर के चारों ओर ऐसे कटआउट बोर्ड क्यों लगाए हैं? दिल्ली के चारों ओर जंगल है। इन जंगलों से बंदर पूरे शहर में खाना चुराते हैं और उत्पात मचाते हैं। अगर G20 के गणमान्य लोगों के सामने ऐसी बात होगी तो ये बहुत शर्म की बात होगी। लंगूर कटआउट का उद्देश्य बंदरों को डराना और उन्हें दूर रखना है। यहां कुछ आश्चर्यजनक है। इलाके में 40 जवानों को भी तैनात किया गया है। उन्होंने लंगूरों की आवाज की नकल करने का प्रशिक्षण लिया है। वे रणनीतिक स्थानों पर खड़े रहेंगे। बंदर को देखते ही ये लोग लंगूर की आवाज निकालने लगेंगे। फिर ये आवाज बंदरों को डरा देगी। इसके लिए सब कुछ मौजूद है। नई दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, दिल्ली के वन क्षेत्र बंदरों से भरे हुए हैं। अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि बंदर शहरी क्षेत्रों में ना भटके। लंगूर के कटआउट दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग, कनॉट प्लेस और सेंट्रल रिज पर लगाए गए हैं। ये भारत भर के शहरों से प्रेरित था जो इस विचार का उपयोग करने में सफल रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली ने शहर में लंगूर के कटआउट लगाए हैं। इससे ये सुनिश्चित होगा कि भारत गर्व से G20 शिखर सम्मेलन आयोजित करे।